हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन एवरीवन टू आवर चैनल जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से आपको पढ़ाया जाए और 1 घंटे 30 मिनट के लंबे लंबे लेक्चर बना के आपको बिठा के रखा जाए तो आप बिल्कुल गलत जगह पे हैं। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हमारे कोर्स के अंदर और ये जो नॉर्मल वीडियोस हैं इनकी लेंथ आपको मिलेगी 25 मिनट 30 मिनट 45 मिनट और कभी ज़्यादा हुआ तो 60 मिनट। इससे ज़्यादा का एक लेक्चर के ऊपर समय देना एक निशानी है मूर्खता की, ठीक है। तो इससे ज़्यादा समय आपको किसी भी लेक्चर के ऊपर नहीं देना चाहिए क्योंकि मेमोरी जब आप पढ़ते हैं, स्मृति के बारे में पढ़ते हैं तो ये ऑलरेडी प्रूवन है कि जितना आपने पढ़ा है लेक्चर के एंड में 50% तो आप ऑलरेडी उस चीज़ को भूल चुके हैं, ठीक है। एबिंगहाउस का जो डायग्राम था, जो ग्राफ बनाया था, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ये चीज़ हिस्टोरिकली प्रूवन है ना। तो क्यों जो चीज़ प्रूव कर दी गई है, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने, मनोवैज्ञानिकों ने उसको प्रूव कर दिया है, तो क्यों हम उसको छेड़खानी करें और बैठ के 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे के लगातार कंटिन्यूस लेक्चर देखें, ठीक है। इसमें बस इत्तफाक ये हो सकता है कि मान लीजिए अगर आप एग्ज़ाम के ठीक पहले देख रहे हैं और उन 7-8 घंटों में आपने देख लिया उस चीज़ को, ठीक है, 7-8-9-10 घंटे आपने लगातार बैठ के पढ़ लिया, और मान लीजिए उसमें से कोई अगर आपको एक आध सवाल या दो सवाल अगर आपको उसी दिन सवेरे मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में अगर आपके एग्ज़ाम में आ गया तो ही आपको इस लेक्चर से फ़ायदा है, अन्यथा ऐसे लेक्चर्स से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप 30 मिनट के लेक्चर आप 2 बार देख लीजिए, आपकी लघु स्मृति से चीज़ें कहाँ पहुँच जाएंगी, पहुँच जाएंगी आपके LTM के अंदर, है ना। इसका आप ध्यान रखें कि हमको चीज़ों को शॉर्ट टर्म मेमोरी के बजाय हमको क्या कराना है, उसका हमको मेमोरी का कराना है कंसोलिडेशन, ठीक है। कंसोलिडेशन कराना है हमारी मेमोरी में चीज़ों का, लर्निंग का, ठीक है। और हमको कहाँ पहुँचाना है चीज़ों को पहुँचाना है हमको LTM के अंदर, ठीक है। तो ऐसे जितने भी लेक्चर्स हैं आपके विवेक से देखें उनको, ठीक है, लेकिन उन चीज़ों को आप लंबे समय तक रिटेन नहीं कर सकेंगे, इस बात की एबिंगहाउस भाई साहब ने प्रूफ कर दिया था, ठीक है। ऑलराइट, अब चलते हैं हम आज के लेक्चर के ऊपर। हम आज देखने वाले हैं 2017 के कुछ सवाल, यानी कि हम आज करने वाले हैं PYQ ऑफ ईयर 2017। ओके, तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। ऑलराइट, तो वही जानी पुरानी पहचानी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपका स्वागत है। ओके, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर चार क्या कहता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, जिसे मनोचिकित्सक की सहायता के लिए नियुक्त किया गया था, पर वह रोरशाक परीक्षण की व्यवस्था देखता है और उनकी व्याख्या करता है, यह है क्या है? ये नैतिक रूप से गलत प्रथा, नैतिक रूप से सही प्रथा, नैतिक रूप से सही तथा प्रथा बशर्ते कि उसका उपयोग केवल नैदानिक प्रयोजन से किया जाए। ओके, और ऑप्शन नंबर डी, नैतिक रूप से सही प्रथा बशर्ते कि परिणामों को गोपनीय रखा जाए और उनका उपयोग केवल नैदानिक प्रयोजन से किया जाए। ओके, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? यहाँ देखिए किसकी बात कर रहा है, एक सामाजिक कार्यकर्ता की, एक सोशल वर्कर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, सोशल वर्कर की बात हो रही है। और यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है आपके मनोचिकित्सक की, ठीक है, मनोचिकित्सक है, सालों अब उसने लगा दिए पढ़ने में, एक टफ विषय जो है क्या है, मनोविज्ञान, ठीक है। तो आप बताइए कि क्या कोई सोशल वर्कर इस चीज़ की समझ रख सकता है? कभी भी नहीं रख सकता, बशर्ते उसने पढ़ाई ना की हो, ठीक है। ओके, लेकिन प्रश्न में क्या पूछ रहा है, हमको मालूम है कि एक सोशल वर्कर है वो, ठीक है। ओके, किस सहायता के लिए नियुक्त किया गया था, मतलब जो सोशल वर्कर है एस, इसको किया गया था मदद करने के लिए किसकी, मनोचिकित्सक की, ठीक है। पर वह क्या करता है, रोरशाक परीक्षण की व्यवस्था देखता है। अच्छा, अब वो भाई साहब क्या कर रहे हैं, रोरशाक इंग्लॉट टेस्ट RIT की क्या कर रहे हैं, व्यवस्था देखना स्टार्ट कर दी उन्होंने, एक सामाजिक कार्यकर्ता है जबकि वो, ठीक है, और साथ ही साथ उसकी व्याख्या भी करने लगे हैं, ठीक है। तो यह क्या है, ये सरासर नैतिक रूप से गलत प्रथा है, ठीक है। करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1 A, नैतिक रूप से गलत प्रथा है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं अगला सवाल आपसे पूछता है प्रश्न नंबर 5 में,
आनन पुनर्भरण परिकल्पना का आशय है, ठीक है। तो 80% ऑडियंस तो यहाँ पे यही विचार करते रह जाएगी कि आनन पुनर्भरण परिकल्पना का आशय है, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ऑप्शन देखते हैं, आपकी आनन अभिव्यक्ति अन्य व्यक्ति के संवेगों को प्रभावित करती है। अच्छा, अन्य व्यक्तियों की आनन अभिव्यक्ति आपके संवेगों को प्रभावित करती है, ओके, ये हो सकता है। आनन अभिव्यक्ति मस्तिष्क को संवेगों के बारे में पुनर्भरण जानकारी देती है, ओके, और उपरोक्त सभी। सबसे पहले देखते हैं हम आनन पुनर्भरण परिकल्पना क्या है। ये सिंपली बात किसकी कर रहे हैं आपके? FFH की, ठीक है। ये क्या है? ये है आपका फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस, ठीक है। अब नाम से ही आप समझ जाएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आप सभी सही उत्तर तक पहुंच चुके हैं, आपको बधाई हो। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, है ना। आनंद अभिव्यक्ति जो है मस्तिष्क को संवेगों के बारे में पुनर्भरण जानकारी देती है। जो हमारा जो फेस है, ये हमारा फेस है, ये हंसता हुआ है या जो भी उदास है, ये जानकारी किसको मिलती है? ये मिलती है हमारे यहाँ पे जो मस्तिष्क है, हमारा ब्रेन है, उसमें हज़ारों करोड़ों लाखों अरबों न्यूरॉन्स हैं, तंत्रिकाएं हैं, उनको जाके संवेगों के बारे में पुनर्भरण फीडबैक जानकारी देती है, ठीक है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस, ठीक है। कि हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है, हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो क्या कर रहे हैं? फीडबैक दे रहे हैं किसको? हमारे ब्रेन को, है ना। ये फीडबैक दे रहे हैं, इसका आप ध्यान रखें। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, आनंद अभिव्यक्ति मस्तिष्क को संवेगों के बारे में पुनर्भरण जानकारी देती है, केवल सी। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल कह रहा है प्रश्न नंबर 6 में, संवेग के मापन में, क्या माप रहे हैं यहाँ पे हम? संवेग यानी कि हमारे जो इमोशंस हैं उसको हम माप रहे हैं। संवेग के मापन में निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, ओके। मतलब चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक है जिसका उपयोग हम नहीं करेंगे, किसको मापने के लिए? हमारे इमोशंस को मापने के लिए, ठीक है। पहला क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है स्फिग्मोमैनोमीटर, दूसरा दिया है गलवैनिक त्वचा प्रत्युत्तर, तीसरा दिया है सांख्यिक ताप मापक, और चौथा दिया हुआ है पुतली मापन कैमरा। तो इसमें से हम किसका इस्तेमाल करेंगे ताकि हम इमोशन, यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, सांख्यिक ताप मापक, ये क्या मेजर कर रहा है? ये आपका ताप, यानी कि ये आपका क्या मेजर करेगा? आपका टेम्परेचर मेजर करेगा, ठीक है। आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या है वो मेजर करेगा ये ताप, ठीक है, ना कि इमोशन। तो क्या आप सोच सकते हैं कभी कि किसी थर्मोमीटर लगाया आपके जीप के अंदर, ठीक है, और उससे आप हम बताएंगे आपका कि आप कौन सा इमोशन महसूस कर रहे हैं, या फिर क्या आपके इमोशन का माप है उसको हम बताएंगे एक थर्मोमीटर से, वो भी कौन सा वाला? सांख्यिक, मतलब एक डिजिटल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करके हम बताएंगे कि एक्स भाई साहब या एक्स बहन जी क्या कर रही हैं, वो कौन सा संवेग महसूस कर रही हैं, और उसका हम मापन कर सकेंगे, ठीक है। तो हम इनमें से किसका उपयोग नहीं कर सकते? सांख्यिक ताप मापक का उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। इसका कर सकते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर का, गैल्वेनिक त्वचा प्रत्युत्तर का, और पुतली मापन कैमरा का कर सकते हैं। अगर आपको जानना है ये तीनों क्या काम करते हैं, तो इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा UGC नेट JRF का एडवांस बैच। ऑलराइट, ओके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हमने डिस्कस किया प्रश्न नंबर 4, 5, 6। ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट बना के रखी है जहाँ पे आप PYQs देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। 2012 कंप्लीटेड है, 2021 तो बहुत तगड़ा कंप्लीटेड है, और लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी पहुँचा है। और कुछ लोग, ये जो 21 का एग्ज़ाम हुआ था, जो 22 में एग्ज़ाम हुआ 12 जुलाई को, तो मोस्ट पॉसिबली उनका रिजल्ट भी 100% पॉजिटिव आने की उम्मीदें हैं, ठीक है। तो आप भी जाके इन प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए, इनको जाके देखिए, PYQs देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर आपको डिटेलिंग में पढ़ाई करने चाहते हैं हमारे साथ, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एंड आपका जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है दिसंबर में, मोस्ट पॉसिबली दिसंबर में जो होने वाला है, उसके लिए तैयारी कर सकते हैं आप हमारे साथ। ऑलराइट, ओके। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, और आज दशहरा है तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you and have a nice day ahead.